हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विजय। वेलकम टू माय इन्फो चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रोन की। आज हम फिर से ड्रोन के बारे में बात करेंगे। ड्रोन का जो मेन लाइट लॉन्च होना है, उसकी वजह से जितनी न्यूज़ मार्केट में आ रही हैं, कुछ एक न्यूज़ ऐसी है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो आज हम उन्हीं न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और जो इसका जो प्राइस प्रडिक्शन आ रहा है ड्रोन का, जो मेन नेट लॉन्च होने तक क्या हो सकता है या उसके बाद कितना गिरेगा, कितना ऊपर जाएगा, ये इन सब की न्यूज़ आ रही है मार्केट में। तो हम इन्हीं सब जो न्यूज़ है इनके बारे में आज बात करेंगे। और इसे स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको रेकमेंड करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकॉन है उसे दबाना मत भूलिए। उसी के बेस पर आपको मेरी फ्यूचर की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हम स्टार्ट करेंगे ट्रोन की इस न्यूज़ से। जो ट्रोन फाउंडेशन, जो इनकी वेबसाइट है, उन्होंने एक न्यूज़ डाली है मीडियम पर कि ट्रोन इज़ पॉपुलर ऑन यूट्यूब, ओवरसी इन्वेस्टर थिंक हाईली ऑफ TRX। जो ट्रोन जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है यूट्यूब पर। अगर आप यहाँ पर नीचे जाएं तो आप देख सकते हैं कि 3.82 मिलियन वीडियोज़ रिलेटेड टू ट्रोन जो है, 3.80 मिलियन वीडियोज़ जो है वो ट्रोन से रिलेटेड यूट्यूब पर अपलोड की जा चुकी हैं, और पर घंटे तकरीबन 100 वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं यूट्यूब पर ट्रोन के बारे में। क्योंकि ट्रोन का मेन लाइट लॉन्च होना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो यूट्यूबर्स हैं वो ट्रोन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो ट्रोन की जो, तो आप देख सकते हैं ट्रोन काफ़ी पॉपुलर हो चुका है यूट्यूब पर। अगर आप यूट्यूब पर जाएं और सर्च इंजन में अगर ट्रोन टाइप करें, तो आप देख सकते हैं 3.83 मिलियन यहाँ पर रिजल्ट आ रहे होंगे ट्रोन के बारे में। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगी मुझे कि ट्रोन इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। मुझे तो ये कॉइन ऑफ द मंथ लगता है, कॉइन ऑफ द मंथ ऑफ मई, तो जो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। दूसरी जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि ट्रोन टेम्प्ट्स एथेरियम डेवलपर्स विद 100,000 लोन्स, डेप्स माइग्रेशन एंड 10,000 TPS। तो दोस्तों, जो ट्रोन जो है, जब ये अभी एथेरियम के नेटवर्क पर काम कर रहा है, और अब ये 31 जो मई को जो इसका मेन नेट लॉन्च होगा, तो उस मेन नेट लॉन्च होने पर क्या होगा कि ये एथेरियम के जो नेटवर्क है उससे अलग हो जाएगा, ये खुद की ब्लॉकचेन के नेटवर्क पे आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि दोस्तों, जैसे कि एथेरियम में अभी जो पर सेकंड जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो 15 से 20 ट्रांजेक्शन पर सेकंड होती हैं, तो यही सेम ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो 1,000 पर ट्रांजेक्शन पर सेकेंड ट्रोन के नेटवर्क पर पॉसिबल हो पाएंगी, जो एथेरियम के लिए बहुत ही बड़ा ब्लो हो सकता है। क्योंकि एथेरियम के जितने भी डेवलपर्स हैं, जो भी डेवलपर्स हैं एथेरियम के नेटवर्क पर, वो अपनी जितनी भी जो इनकी डैप्स, जो ऐप्स वगैरह और जो भी प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं, वो ट्रोन के नेटवर्क पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी वजह से जो ट्रांजेक्शन्स की प्रॉब्लम, जो स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम है एथेरियम के नेटवर्क पर, उसकी वजह से तो ये डेवलपर्स अपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं इस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा ब्लो होगा एथेरियम के लिए इसके लॉन्च होने पर। और जो दूसरा जो जो है, जो ट्रोन जो है वो 100,000 US डॉलर का लोन, जो 1 लाख US डॉलर का लोन जो है ऑफर कर रहा है डेवलपर्स को, और स्पेशली जो डेवलपर्स एथेरियम के नेटवर्क पर काम कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी ये किया गया है। मतलब उनको भी अट्रैक्ट किया जा रहा है इस लोन की वजह से, कि वो अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो ट्रोन के नेटवर्क पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये कब लॉन्च होगा? इसे ट्रोन वर्चुअल मशीन बोलते हैं दोस्तों। तो ट्रोन वर्चुअल मशीन जो है वो लॉन्च होगी 25 मई को। उसके बाद जितने भी डेवलपर्स हैं वो अपने जितने जो भी प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं या फ्यूचर के लिए जो भी कर रहे हैं, वो ट्रोन के नेटवर्क पर कर सकते हैं, और अपने मतलब कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थिंग चीज़ ये भी है कि उनको 18 महीने का टाइम दिया जाएगा इस लोन को वापस करने के लिए। ट्रोन उनसे जो रीपेमेंट की मांग कर रहा है वो 18 महीने में कर रहा है, और 0% इंटरेस्ट रेट पर। और जो तीसरा जो हम बात करेंगे प्राइस प्रिडिक्शन की, दोस्तों बहुत सी प्राइस प्रिडिक्शंस आ रही हैं मार्केट में, और उनमें से एक जो प्राइस प्रेडिक्शन आ रही है वो ये आ रही है कि जो ट्रोन जो है मेन नेट लॉन्च होने तक 1300 से 1587 तक जा सकता है। और जो अभी जो एंट्री का पॉइंट बताया जा रहा है वो 920 तोसी बताया जा रहा है। ये इसकी किसी की पर्सनल जो
प्रडिक्शन है वो यहाँ पर है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रडिक्शन आ रहे हैं वो 1300 से 1500 सतोशी के आसपास आ रहे हैं। तो दोस्तों ये सही टाइम हो सकता है ट्रोन में इन्वेस्ट करने का, अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि जो ट्रोन का मेन नेट लॉन्च होगा वो बहुत ही बड़ा इवेंट है ट्रोन के लिए, और जो 8 दिनों में लॉन्च होगा और 8 दिनों के एंड मतलब 31 मई तक आने तक, ये इसका रेट काफ़ी ऊपर जा सकता है। अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो डबल हो सकता है आपका, तकरीबन डबल प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप करना चाहें इन्वेस्ट तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपने जिम्मेवारी पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो करंट जो न्यूज़ वगैरह आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि ट्रोन का प्राइस काफ़ी ऊपर जाने वाला है, जो कि तकरीबन मुझे लगता है 15 सेंट तक जा सकता है 31 मई तक। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रोन के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो जो लाइक का बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको रेकमेंड करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकॉन है उसे दबाना मत भूलिए, उसी के बेस पर आपको मेरी फ्यूचर की जितनी भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अगली बार मिलूँगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।